हाय हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो जैसे कि अभी जन्माष्टमी आने वाला है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए फोटोशूट ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। न्यू बॉर्न हो या फिर कोई भी बच्चे हो, आप इस तरह से फ़ोटो क्रिएट करके एक मेमोरी रख सकते हो। तो यहाँ पे एक शॉल लिया है ब्राउन कलर का, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो और उसको पेड़ की तरह क्रिएट करना है। और नीचे हम लोग ने ग्रीन कलर की साड़ी ली हुई है और साइड में फूलदानी फूलों का बॉर्डर से सजाया है। तो आप नीचे कोई भी कपड़ा ले सकते हो। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कपड़ा आप देख रहे हैं, ये ब्लाउज पीस से हम लोगों ने लंबे लंबे काट लिए ताकि नारियल के जो पेड़ होते हैं पत्ते लंबे लंबे वैसे दिखाने के लिए। और दो काइट्स भी ले लिए ताकि थोड़ा अट्रैक्शन लगे। तो ये ग्रीन कलर के कपड़ों को आपको सेट करनी है। और यहाँ पे थोड़े से कीवीज रख दिए ताकि नारियल का लुक आए नारियल के पेड़ में। और नीचे हम लोगों ने फ्लावर पॉट में से ग्रास निकाल के लगा दिया है और फूलदानी के फूल निकाल के थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिव्यांश को रेडी कर रहे हैं। तो दिव्यांश एक्चुअली वो बहुत ही छोटा है, एक्चुअली वो 2 मंथ्स का ही है, तो थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है उसको। तो हम लोग उसको माला वगैरह मतलब कृष्णा जी के लुक के लिए गेटअप दे रहे हैं। सो एक्चुअली बच्चों को ये सब पहनाना नहीं चाहिए, जो भी मतलब सॉफ्ट हो नरम हो वही पहना दीजिए, ज़्यादा इरिटेट मत कीजिएगा। तो दिव्यांश यहाँ पे रेडी हो चुका है, हम लोग ने दुपट्टा से उसको धोती पहना दिया है और ये मोती के माला वगैरह चढ़ा मतलब पहना दिया है। सो ये जो बर्थडे में जो मतलब ताज मिलता है ना प्लास्टिक का, कोई भी केक शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। तो या फिर आप कोई मार्केट से मुकुट वगैरह भी ला सकते हो। तो वो लगा दिया है और थोड़े से लाइट से हमारे पास बैटरी के वो लाइट से हम लोग ने दिव्यांश के बगल में थोड़ा सा डेकोरेटिव किया है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे फ़ोटोज़ में। तो आप भी अपने बच्चों को इस जन्माष्टमी में ये ऐसा फ़ोटोज़ निकाल लीजिए और बहुत ही सुंदर आएंगे फ़ोटोज़ और एक मेमोरीज़ भी रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर फोटोज़ क्लिक कर रही है उसका। सो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में इसके फ़ोटोज़ क्लिक किए। बाजू में हम लोग एक मटके में वाइट कलर का कपड़ा डाल के इस तरह से डेकोरेट कर लिया है ताकि वो मक्खन का मटका दिखे। सो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग कियांश को भी रेडी कर रहे हैं ताकि उसका भी थोड़े फ़ोटोज़ ले लिया जाए, क्योंकि वो भी तो छोटा है और उसका भी मुझे फ़ोटोज़ रखना है मेमोरीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे सिस्टर फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है। सो गाइस आप भी अपने बच्चों का फ़ोटोशूट करवा लीजिए जन्माष्टमी स्पेशल, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाला है तो आपके पास कुछ मेमोरीज़ रह जाएगा। तो अभी मैं दिव्यांश को कुछ कपड़े चेंज कर रही हूँ, उसके नॉर्मल वेयर पे भी थोड़े से फ़ोटोज़ लेनी है मुझे। तो उसके लिए फिर से काइट्स वगैरह और डेकोरेटिव कर रहे हैं और साइड में नीचे थोड़े से लड्डू रख रहे हैं ताकि ये मकर संक्रांति का फ़ोटोशूट हो जाए। और यहाँ पे रेड कपड़े से उसका मंथ्स लिख रहे हैं, 2 मंथ्स का हो गया है। सो गाइस यहाँ पे बलून से भी हम लोग थोड़े से फ़ोटोशूट कर रहे हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।